भागीरथ ने गंगा अवतार के स्वर्ग से लाए थे। हम गंगा तो अवतार के नहीं लाए हैं, पर ज्ञान की गंगा को लाए हैं। सारे विश्व को जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान आप यहाँ से पाइएगा। और प्राचीन काल में परशुराम जी का नाम सुनाया आपने, उन्होंने हिमालय के ऊपर तप किया था। तप करके वहाँ से उन्होंने एक भगवान शंकर से एक फरसा लाए थे और फरसे से कुल्हाड़े से काट करके लोगों के दिमागों को बदल दिया था। ब्रेन वॉशिंग का काम हम भी कर रहे हैं आजकल, बहुत ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों का, विद्वान लोगों का, सामान्य लोगों का, किसानों का, दूसरे लोगों का, पंडितों का, सबका ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। ये भगवान परशुराम के कुल्हाड़े की आप नकल चाहें तो आप कह सकते हैं। जमदग्नि ने उत्तरकाशी में प्राचीन काल में एक अरण्य बनाया था जिसमें परब्राजक तैयार होते थे, परब्राजक जगह जगह भेजे जाते थे, सारे विश्व में वो काम करते थे। आप यहाँ आइए शांतकुंज में देख लीजिए, उसकी नकल हमने बना दी है। नकल इसलिए बना दी है कि जो प्रेरणा हमको हमारे मास्टर ने हिमालय ले जा करके उससे संबंध जोड़ करके संबंध बना दिया, वो आपको यहाँ मिल सके। इसके अलावा नारद जी का नाम सुना है। नारद जी ने संगीत के माध्यम से सारी दुनिया को हिला दिया था। नारद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म ये दोनों ब्रह्म है, इससे उन्होंने नारद जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, ध्रुव को ज्ञान दिया था, वाल्मीकि को ज्ञान दिया था, प्रहलाद को ज्ञान दिया था, सावित्री को ज्ञान दिया था, जाने कितनों को ज्ञान दिया था। और वो ज्ञान ऐसा था कि उनके जीवन की कायाकल्प हो गया। वो काम भी हमने किया है यहाँ रह करके। यहाँ शंकराचार्य का नाम सुना है, उन्होंने चार धाम बनाए थे, इसमें से एक धाम बद्रीनाथ धाम भी है उत्तराखंड का। बाकी धाम रामेश्वरम है, द्वारका है, ये जगन्नाथ है। हमने 2400 शक्तिपीठें बनाई, आप यहाँ देख सकते हैं, और दूसरी जगह भी जा करके आप देख सकते हैं। वो काम जो कि हमारे गुरु ने हमको हिमालय देवात्मा हिमालय के साथ जोड़ करके किया, वो सब काम हमने यहाँ कर डाले। क्योंकि देवात्मा हिमालय का यहाँ हमने मूर्ति बना दी है। इसके लिए बना दिया है, अपने लिए हम तो हवास हैं, हमको तो 3 बार भेजा गया है, तो हमने तो उन सब स्थानों को देखा है और उनके जीवात्माओं से सूक्ष्म संबंध स्थापित किए हैं। पर आपके लिए हमने शांत कुंज बना दिया है। आप यहाँ आया करेंगे तो यहाँ के वातावरण में नवीनता है। गंगा के किनारे में एक नवीनता होती है, हिमालय की विशेषता में एक नवीनता होती है। संतरे नागपुर के मीठे होते हैं, लखनऊ के आम मीठे होते हैं, मुंबई के केले मीठे होते हैं। इस भूमि को हमने अपने सारे जीवन भर में एक ही काम महत्वपूर्ण किया है कि हमने वो देवात्मा हिमालय का एक देव मंदिर यहाँ बना दिया है। उसमें सारे के सारे हिमालय को आप यहाँ बैठ कर के भी देख सकते हैं। और ऋषियों की जो परंपरा थी, उन्होंने क्या क्या का काम किए थे, इसको भी आप चाहें तो यहाँ आकर के देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे जो हमने किए हैं और आपके लिए किए हैं। आपका जन्मदिन हुआ करे तो आप यहाँ ज़रूर आया कीजिए, आपका विवाह दिन हुआ करे तो आप यहाँ ज़रूर आया कीजिए, आप लोगों के बाल बच्चों के संस्कार कराने हों तो आप ज़रूर आया कीजिए। ये तीर्थ स्थानों में पितरियों के लिए साधु तर्पण किए जाते हैं, आपको कभी कराने का मन हो तो आप यहाँ आया कीजिए। आपको कोई अनुष्ठान जब करना हो तो आप यहाँ आकर के किया कीजिए, यहाँ उसका विशेष फल मिलेगा। क्योंकि यहाँ की शक्ति, यहाँ की भूमि में हिमालय का द्वार है, ये गंगा का ये तट है, 7 ऋषियों के तप करने का स्थान है, हमारा भी तप करने का स्थान है। इसलिए अगर आपको मौका मिला करे तो आप यहाँ जरूर आया कीजिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका ये मन हो कि अध्यात्म जो है विज्ञान है या अंधविश्वास, तो आपको फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि अध्यात्म का सही तरीका क्या है। सही तरीका आपको नहीं मालूम, बस इसीलिए आप बेकार होते हैं, परेशान होते हैं, ये होते हैं। आप केवल पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, और कर्मकांड के साथ साथ में जीवन को जैसा ऊंचा बनाना चाहिए वैसा ऊंचा बनाने के लिए कोई आपका मन नहीं करता। आप मन कीजिए, फिर देखिए भगवान आपकी सहायता करता है कि नहीं। भगवान झूठा है कि सच्चा है? भगवान झूठा नहीं है, सच्चा है। भगवान कैसा देखा आपने? हमने कैसा देखा चलिए बताते हैं। भगवान को हमने प्रसिद्ध छाया के रूप में देखा, और भगवान को हमने प्रसिद्ध ध्वनि के रूप में देखा। प्रसिद्ध छाया क्या? शीशे में जैसा अपना चेहरा देखते हैं बिल्कुल हूबहू वैसे ही होता है, और भगवान को हमने देखा है बिल्कुल हमारे जैसा है। हमारे जैसा उसका ईमान, हमारे जैसा उसका मन, हमारे जैसे उसकी बुद्धि, हमारे जैसा उसका प्यार, बिल्कुल हमारे भगवान का हमारे